कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत और श्रीलंका के बीच इस साल जुलाई के महीने में वनडे और टी20 मैचों की सीरीज प्रस्तावित है। हालांकि ये सीरीज हो पाएगी या नहीं, इस पर अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर इस सीरीज पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इसी बीच सीरीज से पहले ही क्रिकेटर्स का बोर्ड के साथ तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल ये तनाव है श्रीलंकाई खिलाड़ियों का उसके बोर्ड के साथ। श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने देश के बोर्ड को समय से पहले ही संन्यास लेने तक की धमकी तक दे डाली है। धमकी की वजह बोर्ड का नया अंक आधारित ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसके जरिए क्रिकेटरों की सालाना कमाई का आकलन किया जाना तय किया जाएगा। श्रीलंकाई क्रिकेटरों की मांग है कि इस सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि आखिर किस आधार पर उन्हें ग्रेड और अंक दिए जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इससे उनकी कमाई पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा। नए सिस्टम के तहत खिलाड़ियों को चार अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। इसमें पिछले दो साल में उनकी फिटनेस के स्तर, अनुशासन, लीडरशिप की काबिलियत, टीम के प्रति उनके कुल योगदान और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। बस इसी को लेकर खिलाड़ी चाहते हैं कि बोर्ड इस बात का खुलासा करे कि ये नंबर किस तरह आवंटित किए जाएंगे, ताकि वो इस पूरी प्रक्रिया को और बारीकी से समझते हुए उन क्षेत्रों में सुधार कर सकें जहां उनकी कमियां हैं। हालांकि जिन खिलाड़ियों ने संन्यास की धमकी दी है उनके नाम अभी भी उजागर नहीं किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में खिलाड़ियों के प्रतिनिधि निशान के हवाले से कहा गया कि हर खिलाड़ी का व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उन्हें अंक आवंटित करने की प्रक्रिया का हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। पारदर्शिता से एकजुटता और सौहार्द भी आता है। इस मामले में सभी खिलाड़ी एकजुट हैं। वहीं श्रीलंका क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य एशले डिसिल्वा ने बताया कि खिलाड़ियों की मांग के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट में संशोधन कर दिया गया है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने के बाद वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ साझा करने की प्रक्रिया में हैं। अभी तक किसी खिलाड़ी ने ऐसा नहीं कहा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया और खेल की दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ, आप फिट तो सब हिट।